एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। अनुराग जी, एक एक करके सर बाकी मेहमानों के पास भी जाना है ना सर। डीजीपी सर, मुझे एक बात बताइए, जो आज खुलासा अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट में हुआ, वहां पर कहा गया कि भाई अनाउंसमेंट हो रहे थे मस्जिद से, कहा गया जो जहां दिखे उसे काट दो, ये बड़ा हैरान करने वाला और विचलित करने वाली बातें। अब आप सोचिए कि खौफ और डर उस समय वहां पर क्या रहा होगा, और वो अब बता रहे हैं इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए, इस पूरे मामले की सघन जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ वो जो कार्रवाई वहां हो रही है, जो 88 लोग गिरफ्तार किए गए, उस पर भी जरा बोलिए कि वहां 88 लोग हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, एक तरफा लोग नहीं है वहां पर। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदुओं पे इंगित किया है, और हर बात अनुराग जी की हमें डिसमिस नहीं करनी चाहिए, कभी कभी वो तथ्यात्मक बातें भी कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि उस लड़के को घर पे चढ़ने का अधिकार किसने दिया, बिल्कुल गलत था। इसी तरह आगजनी हुई निंदनीय है और दंडनीय है, और जिन लोगों ने की है उनको गिरफ्तार होना ही चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अगर इसमें कोई पुलिस की चूक है, जांच होगी, और इसमें जो भी अगर पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है प्रमाद के लिए, उस पर भी कार्रवाई होगी। और हमसे ज्यादा अनुराग जी जानते हैं कि पुलिस के कार्य में माफी का खाना नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से भयावह तरीके से कत्ल करने का जो आह्वान और ऐलान हो रहा था, उसमें भी पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हस्तक्षेप कर अगर नहीं हुआ तो अब देखना होगा ये ऐलान कौन कर रहा था, किसने छूट दे दी कि कत्ल कर दो जहां जो मिल जाए। और जिस तरीके से जो ऐलान हुआ वो भी गलत, आगजनी हुई वो भी गलत, और जो 88 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, अभी आपके टिकर में आ रहा था कि ये सोचा जा रहा है जनपद स्तर पे कि रासुका लगाने पर, अब सोचे नहीं, अब NSA लगा दें, गैंगस्टर एक्ट लगा दें, प्रिवेंटिव एक्शन लगा दें, इसमें इतनी कार्रवाई हो जानी चाहिए कि जैसे आज आपने ये दिखाया कि 25 घरों में क्रॉस लगा हुआ है, नोटिस लग गई 17 तारीख को, 72 घंटे का मोहलत दी है, 3 हिंदुओं के घर में है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर अतिक्रमण किया है तो आप क्या समझते हैं कि अगर अतिक्रमण किया है, अपराध किया है तो एक्शन नहीं होगा है? अपराध किया है तो अतिक्रमण करने की भी छूट मिल जाती है? न अतिक्रमण करने की छूट है, न अपराध करने की छूट है, दोनों पनिशेबल हैं। अगर दोनों किए हैं तो प्रसाद और ज्यादा होना चाहिए। फिर तो मैं चाहूंगा सबसे पहले चरण में जिसने अतिक्रमण और अपराध दोनों किया है, रासुका सबसे पहले उन पर लगनी चाहिए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं स्क्रीन पर वो भी चला रही हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, और उन्होंने वहां पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि वहां बीजेपी ने एक एनकाउंटर किया जो हाफ एनकाउंटर था, ये सिर्फ डराती है समुदायों को कि वहां पर एक द्वेष बढ़ा रहे। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं, जो NSA की बात आप कर रहे थे डीजीपी, उसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हिंसा के आरोपियों पर NSA लगाने की तैयारी हो गई है। 5 से 10 आरोपियों पर NSA लगाया जा सकता है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है पुलिस। अब आप सोचिए कि क्या इससे पहले भी ये अपराध कर चुके हैं, क्या इससे पहले भी इन पर कुछ धाराएं लग चुकी हैं? आपराधिक जो इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ इन पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। क्या वो कार्रवाई होगी? अब मैं प्रोफेसर रागी आपके पास एक बार आ रही हूँ। अनुराग जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपके साथ हूँ, उससे पहले प्रोफेसर रागी एक बार जरा बताइए, जो आज मैंने खुलासा दिखाया ये बड़ा विचलित करने वाला है सर, ये बहुत विचलित करने वाला है, और ये किसी भी तरफ से होगा तो ये उसी तरह से डराएगा। हम बार बार राम गोपाल मिश्रा की बात करें, कोई डिफेंड नहीं करता है, किसी के घर पे जाकर झंडा उतारना गलत कार्रवाई है, ये डीजीपी सर खुद कह रहे हैं, लेकिन वहां हत्या कर दो, किसी को लिंच कर दो, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट्स। सुचेता, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए था, झंडा नहीं उतारना चाहिए था, वो गलत है, लेकिन झंडा उतारने की सजा किसी को मौत में दी जाएगी, यह भी समाज को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, जो मस्जिदों से जो आह्वान किया गया, जिसका जो रिपोर्ट आपने दिखाया है, मुझे थोड़ा उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि भारत में आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले से और उसके बाद से जहां जहां दंगे हुए हैं वहां वहां पर मस्जिदों से इस प्रकार के ऐलान और षड्यंत्र रचे गए हैं। यही कारण है कि आपको दिखाई देगा कि यदि मस्जिद जिस इलाके में हो, मुस्लिम जिस इलाके में हो, वहाँ से यदि प्रोसेशन गुजरता है तो पता नहीं कहाँ से उनके पास नुकीले पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल बम की तैयारी हो जाती है, तमंचे आ जाते हैं। ये कोई एकाएक होता है, एकाध घटना घटती तो मैं मानता कि शायद एकाध पूर्व नियोजित नहीं था, लेकिन यदि हर बार यदि घटना घटती है और हर शहर में ऐसी घटना लगभग घट जाती है
हर साल ऐसी घटनाएं घट जाती है तो इसका मतलब है कि ये पूर्व नियोजित सब रहता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो एक एग्रेशन बढ़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 2024 में संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक जो बड़ी सफलता मिली है उसमें जो है मुस्लिम लोगों का हाथ बहुत बड़ा है। मुस्लिम इन्वॉल्व वोटिंग होने के कारण और उनकी जीतने के कारण उनके मंसूबे बढ़ गए, उनका मनोबल बढ़ गया है। और समाजवादी पार्टी तो गिरोह नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम वोट बैंक को शील्ड करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, इसीलिए इस मामले में एक क्लियर स्टैंड नहीं है, वो एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह पार्टी जो है चंबल के डकैतों को सहयोग से शुरू किया था और चंबल के डकैतों को उन्होंने खत्म भी किया था, ठीक है। दूसरी बात, जितने ये गिरोह हैं, जितने ये मुस्लिम आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, गिरोह हैं, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से या तो संबद्ध रहे हैं या समाजवादी पार्टी से संबद्ध रहे हैं। और इनके लिए उन्होंने वोटों की उपज की है, खेती की है। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुझे इस पर अनुराग जी का एक रिएक्शन लेना पड़ेगा। प्रोफेसर आगे, जब भी ये सब होता है तो मैं अनुराग जी का एक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि महासंरक्षण अपराध को दे रही है पार्टी, इसीलिए आज भी क्लियर स्टैंड में। जवाब आ रही हूँ एक बार, मैं अनुराग जी का इस पर रिएक्शन लूँ, क्योंकि बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर वो लगा रहे हैं। अनुराग जी, ये बात कौन कह रहा है? प्रोफेसर आगे बोल रहे हैं। छोड़िए है, उनकी बात कौन सीरियस लेता है? काहे के प्रोफेसर नफरत की बात करने वाले, उनकी बात का जवाब तो हम लोग देते ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाई साहब, सवाल ये है, मैं डीजीपी साहब की बात कर रहा हूँ। डीजीपी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं कह रहा था। ये बताइए, अब तक सब पे कार्रवाई हो रही है, एसएसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पुलिस कमिश्नर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जिसकी नाकामी की वजह से, जिसकी जिसके उदासीनता की वजह से, जिसकी जो हम ठीक से व्यवस्था कानून व्यवस्था नहीं बना पाए, उनकी वजह से इतनी चूक हो गई और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की जान मान का नुकसान हुआ, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? बताइए, जिम्मेदार है कि नहीं? फिर एसएसपी रहते हैं, एसएसपी कोई जरूरत ही नहीं है भाई। जिले में दंगे होते रहेंगे, एसएसपी फिर क्यों है वहां पे? फिर वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों है? जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो जंगल राज है भाई। मैं आप कह रहे हैं मस्जिद अनाउंस भी हो रहा है, अनाउंसमेंट भी चल रहा है, उधर मॉब भी चल रहा है, फिर पुलिस क्या कर रही थी भाई? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता? पत्थर भी इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कह रहा बोतल भी इकट्ठे हो रहे थे, अभी एक प्रोफेसर साहब जिनको मैंने बोला वो कह रहे तमंचे भी इकट्ठे हो रहे थे। अरे भैया, सब कुछ इकट्ठा होता रहता है तो पुलिस जो होती है डिपार्टमेंट का क्या काम है? ठीक है अनुराग जी, वैलिड पॉइंट है, मैं एक बार डीजीपी सर से पूछूंगी, डीजीपी सर से पूछती हूँ कि भाई पुलिस पर कार्रवाई कब, वो कह रहे हैं बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आप छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं, किस पर होनी चाहिए सर? सर अनम्यूट कर लीजिए। इसका निर्णय हमारे राजनीतिक मित्र थोड़े ही लेंगे, इसका निर्णय शासन, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह लेंगे, और इसकी जांच हमेशा होती है। हमारे राजनीतिक मित्र हमारे अफसरान को उनका मनोबल गिराने में सहायक। अब हमारे बड़े नेता ने ये कहा कि उनकी हत्या हो गई। अरे भाई, किसकी हत्या हो गई? अभी तो जिंदा है, अगर मर गए हो अब तक तो मुझे बता दीजिए। हत्या तब होती है जब मर जाते, मुझे जहां तक मालूम है अभी वो जीवित हैं और सलामत हैं, तो उनको कह दिया मर गए। अफवाह तो अब कौन फैला रहा, मैं क्या कहूँ? देश के शीर्ष नेता अगर कहेंगे मर गए, हत्या हो गई, कहाँ हत्या हुई? दूसरी चीज, पुलिस ने बड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस तरीके से, और आप यही याद करें, ये हम लोग के टाइम में अगर ये हुआ होता तो अभी तक आप याद करते हैं कि पुलिस का अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया। अब वो अच्छा है कि वो जमाने चले गए, अब पुलिस अत्याचार नहीं करती, मित्रवत व्यवहार करती है। लेकिन मान के चलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद से ऐसे ऐलान किए हैं उनकी खैरियत नहीं है, और ये सर्वर जिन्होंने इस तरीके कहा है फूल बरसाएंगे, आप इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे, गोली चलाएंगे, ये हालात बताएंगे और इसका निर्णय पुलिस करेगी। आप अगर मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या करेंगे